शहर की सबसे गरीब बस्ती में कचरे के ढेर के पास अपने परिवार के साथ रहते थे फुटबॉल की दुनिया के ये लेजेंड। आइए जानते हैं ब्राजील के फुटबॉल सेंसेशन नेमार जूनियर की स्ट्रगल से जीत तक की कहानी। इनके पैर में जूते हो ना हो पर फुटबॉल हमेशा उनके पास रहती। ग्राउंड तो नसीब ना था पर पूरा दिन गलियों और समुंदर किनारे फुटबॉल प्रैक्टिस करते। यह है फुटबॉल लेजेंड नेमार जूनियर की कहानी, जिन्होंने बचपन में ही गरीबी की बेबसी को बहुत करीब से महसूस कर लिया था। उनके पिता, जो कि खुद एक फुटबॉलर रह चुके थे, घर चलाने के लिए एक साथ दिन में तीन अलग अलग काम करते, कभी लेबरर, कभी मैकेनिक तो कभी सेल्समैन, और माँ एक चाइल्ड केयर सेंटर में खाना बना के घर के लिए कुछ पैसे कमा के लाती। एक कमरे में पूरा परिवार एक गद्दे में ही सोता और नेमार अपने कॉलोनी के सबसे खस्ता हाल वाले स्कूल में पढ़ने जाते। घर में पैसों की इतनी कमी थी कि कई बार बिल ना दे पाने की वजह से उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट कर दिया जाता और पूरे परिवार को कई दिनों तक अंधेरे में ही रहना पड़ता। पर इसी अंधेरे के बीच नेमार को हमेशा एक रोशनी की किरण दिखती और वो था फुटबॉल। एट द एज ऑफ 6 नेमार ऑलरेडी एक चाइल्ड प्रोडिजी कहलाने लगे थे। वो गलियों में भी फुटबॉल खेलते तो लोग रुक के उनको हैरानी से देखते और ये बात नेमार के पेरेंट्स को इमोशनल कर देती, क्योंकि उन्हें वो वक्त याद आ जाता जब इसी बच्चे की जी पाने की हर उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। नेमार बस 4 महीने के थे जब एक डेडली कार एक्सीडेंट में वो इतनी बुरी तरह इंजोर हो गए थे कि उनको बचा पाना मुश्किल था। एक्सीडेंट में कांच का एक टुकड़ा सीधा उनके माथे के काफी अंदर तक घुस गया था। उनके माता पिता पागलों जैसे ऊपर वाले से अपने बच्चे की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहे थे और ये चमत्कार ही था कि नन्हे नेमार उस एक्सीडेंट से बच के बाहर आ गए। उस वक्त भी नेमार एक फाइटर ही थे। तब उनके पेरेंट्स ने ये कहा सोचा था कि आगे जाके मिराकल्स नेमार की लाइफ का हिस्सा ही बन जाएगा। फुटबॉल में नेमार का नेचुरल टैलेंट देख के एक लोकल फुटबॉल क्लब ने उन्हें ट्रेन करने का डिसीजन लिया, जिसके कुछ साल बाद एट द एज ऑफ 11 वो सीधा टॉप ब्राजीलियन क्लब सैंटोस में सिलेक्ट हो गए। बहुत जल्दी ये सबको पता चल गया था कि नेमार एक जीनियस प्लेयर है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम जब उन्हें बिगेस्ट यूरोपियन क्लब रियल मैड्रिड से कॉल आया। वो अपने पिता के साथ ट्रायल्स के लिए स्पेन के कैपिटल मैड्रिड गए और ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो ही गए थे, लेकिन उन्हें घर की बहुत याद आने लगी। उनको ये ख्याल परेशान करने लगा कि सिलेक्शन के बाद उन्हें अपने परिवार से इतने दूर रहना पड़ेगा। उनकी फैमिली उनके लिए सब कुछ थी और उनसे दूर होने के ख्याल से ही वो घबरा गए। उनके पिता उनके दिल का हाल समझ चुके थे। ये इतना बड़ा फैसला था नेमार के लिए क्योंकि उन्हें पता था रियल मैड्रिड ज्वाइन करना उनकी और उनके फैमिली की पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकता है। फिर भी दोनों ने एक बड़ा रिस्क लेते हुए ये डिसाइड किया कि वो घर वापस जाएंगे और नेमार अपना पुराना क्लब सैंटोस ज्वाइन कर लेंगे। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स सैंटोस और बार्सिलोना के एक फ्रेंडली मैच के बाद नेमार को क्लब बार्सिलोना ज्वाइन करने का ऑफर आ गया। नेमार के लिए ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था क्योंकि उन्हें अपने आइडल लायनल मेसी के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। एंड विद इन नो टाइम नेमार बार्सिलोना के स्टार बन के उभर के आए और उनके एक्सेप्शनल फुटबॉलिंग स्किल्स की पूरी दुनिया फैन बन गई। बहुत जल्द ही ब्राजील के ऑल टाइम टॉप फुटबॉलर्स में उनकी गिनती भी होने लगी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम इन 2014 जब फुटबॉल वर्ल्ड कप ब्राजील में होने वाला था और नेमार से उनकी पूरी कंट्री को बहुत उम्मीद थी। नेमार भी अपने पीक फॉर्म में थे और टीम ब्राजील के लिए सब बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक ब्राजील वर्सेस कोलंबिया की क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान नेमार बुरी तरह इंजोर हो गए। वो फील्ड में करहाते हुए गिर पड़े। उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पे फील्ड से बाहर ले जाया गया। ये ब्राजीलियन स्टार इतने पेन में थे कि वो फील्ड से बाहर जाते ही रो पड़े। टेस्ट ने ये रिवील किया कि उनकी वर्टिब्रे, जो कि रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा होता है, वो फ्रैक्चर हो चुका है। ब्राजील की टीम और फैंस शॉक में चले गए और उनके दुख का कोई ठिकाना ना रहा। इसका सीधा असर ब्राजील के सेमीफाइनल मैच में दिखा, जहां ब्राजील जर्मनी से अपने ही घर में 7-1 से बुरी तरह हार गए। ये लॉस ब्राजील के वर्ल्ड कप की सबसे पेनफुल लॉसेस में से एक मानी जाती है।
नेमार का पूरा करियर अब खतरे में था। अपने करियर का पीक एंजॉय कर रहे नेमार को डॉक्टर ने यह कह दिया था कि शायद वो अब कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। नेमार पूरी तरह सदमे में आ गए। उन्हें उनका सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और खुद से ये वादा किया कि वो वापस फुटबॉल फील्ड में उतरेंगे और फिर से वैसा ही खेलेंगे कि दुनिया देखती रह जाए। एक साल लगा, पर उन्होंने इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया। ही मेड अ फिनोमिनल कमबैक विद द चैंपियंस लीग विन विद बार्सिलोना और फिर से अपना जलवा फील्ड पर बिखेर दिया। पूरा फुटबॉल वर्ल्ड इस बात से झूम उठा था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि नेमार डिसाइडेड टू क्विट बार्सिलोना। इस न्यूज से पूरा फुटबॉल वर्ल्ड शॉक हो गया और इसका रीजन कोई और नहीं, उनके आइडल लाइनल मेसी ही थे। ड्यूरिंग अ चैंपियंस लीग मैच अगेंस्ट पीएसजी, जिसको कि फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक मैच माना जाता है, नेमार ने पूरी तरह लीड किया। पर नेक्स्ट दिन हेडलाइंस में बस लायनल मेसी का ही नाम था। नेमार उसी वक्त समझ गए थे कि वो कितना भी अच्छा खेले, वो मेसी की शैडो में ही रहेंगे। दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड टू लीव बार्सिलोना। इस बात से उनके पिता, जो कि उनका करियर और फिनांस सब मैनेज करते थे, बिल्कुल सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि नेमार बार्सिलोना छोड़े और इसी पे दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। नेमार, जो कि अपने पिता के कंट्रोलिंग नेचर से परेशान हो गए थे, डिसाइडेड टू लीव हिज फादर एंड गेन हिज फ्रीडम। लेटर ही जॉइंड पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ऑन अ रिकॉर्ड डील ऑफ INR 21.5 बिलियन। पीएसजी में उनका धूमधाम से वेलकम हुआ और उन्होंने कमाल का खेलते हुए वहां अपनी एक अलग ही जगह बना ली। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उन्होंने अराउंड 2019 ओपनली वापस बार्सिलोना ज्वाइन करने का अपना इंटेंशन जाहिर किया। पीएसजी फैंस इस बात से इतना बिगड़े कि नेमार को बुरी तरह ट्रोल करने लगे। नेमार जैसे ही फील्ड पे खेलने उतरते, पीएसजी फैंस उन्हें चिल्ला के भला बुरा कहते। नेमार को जिन फैंस ने अब तक पलकों पे बिठा के रखा था, अचानक बेइंतहा नफरत करने लगे थे। नेमार के लिए ये हेटरेट सह पाना बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो इस बात से इतने परेशान हुए कि डिप्रेशन में ही चले गए। इंजरी और पुअर मेंटल हेल्थ के चलते उनका वेट भी बढ़ गया और वो आउट ऑफ शेप हो गए। नेमार अपने पीएसजी फैंस का दिल वापस जीतना चाहते थे और उसके लिए उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। कहीं ना कहीं उनको पता था उन्हें क्या करना है। नेमार ने अपना पूरा फोकस अपने गेम और फिटनेस पे लगा दिया। एज ए रिजल्ट ही बिकेम द की प्लेयर, जिसकी वजह से पीएसजी वन द लीग वन टाइटल। फिर क्या था, गेम के साथ साथ उन्होंने अपने फैंस का दिल भी फिर से जीत के ही दिखाया। नेमार एक ऐसे चैंपियन है जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स तो बहुत देखे, पर उनके आगे कभी झुके नहीं। कंट्रोवर्सी में घिरे रहने वाले इस प्लेयर ने कभी अपनी जिंदगी जीने का तरीका दुनिया के हिसाब से नहीं बदला। अपने गेम पे फोकस और लाइफ में आगे बढ़ने की जिद ने नेमार को उस बुलंदियों तक पहुंचा दिया है जहां कुछ ही प्लेयर्स पहुंच पाते हैं। आखिर ऐसे ही नहीं कोई लेजेंड बन जाता है।